लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर खान ने खर्च किए 1 करोड़। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कारगिल में बनवाई 2.5 किलोमीटर लंबी रोड। आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, जो हर काम सटीक तरीके से करना पसंद करते हैं। यही परफेक्शन उन्होंने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान भी दिखाया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में हैं। तुर्की से लेकर वो इंडिया में भी कई जगह पर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने श्रीनगर में हुई शूटिंग शेड्यूल रैपअप किया है, जहां फिल्म का अब तक का सबसे लंबा और इम्पोर्टेंट पार्ट शूट होना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में फिल्म के हीरो लाल सिंह चड्ढा की आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग से लेकर कारगिल वॉर तक के सीक्वेंस को शूट किया गया है। वहीं आमिर ने फिल्म को किस परफेक्शन के साथ शूट किया है, इस बात की जानकारी कारगिल के डीएम संतोष सुखदेव ने एक बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने बताया है कि सरुखा थांग वाली लोकेशन पर सड़क की चौड़ाई कम थी, वहां आमिर खान ने 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण करवाया है। इतना ही नहीं, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर हायर किए और सड़क बनवाई, तब जाकर वहां फिल्म की शूटिंग हो पाई। दरअसल आमिर को कारगिल में पहाड़ की ऊंचाई पर एक लोकेशन पसंद आई थी और वो वहां कारगिल एयरपोर्ट बनाने वाले थे। उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए सड़क बहुत पतली थी, जिसके बाद आमिर खान ने 1 करोड़ रुपए खर्च करके रास्ता तैयार करवाया। इसके लिए प्रशासन को 1.5 महीने का वक्त दिया। सड़क बनने के बाद में वहां से एक बार में 2-2 ट्रक गुजरने लगे। इन सब बातों से एक बात तो साफ हो गई है कि इस फिल्म के लिए आमिर ने बारीकी से हर काम को किया है। वेल, अब आमिर शूटिंग खत्म कर वापस मुंबई लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के माने तो मुंबई और जयपुर में अब केवल फिल्म का पैच वर्क ही बाकी है, जिसके बाद ये फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। वहीं इस फिल्म में आमिर खान के ऑपोजिट करीना कपूर खान नजर आएंगी। लाल सिंह चड्ढा एक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। फिल्म में आमिर खान टॉम हैंक्स के किरदार को निभाते दिखेंगे, तो वहीं नागा चैतन्य बेंजामिन बुफोर्ड ब्लू के किरदार में दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।